हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत टाइम के बाद मैं अपनी एक डिश वापस लॉन्च कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक अरेबियन डिश है, अफ़गानी कबाब, जो स्टफिंग के साथ में रहती है। आई एम श्योर कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छी लगेंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी अफ़गानी कबाब की रेसिपी। तो इसमें हमें ऐसे पूरा लेग लेना है, और आपको ये जो लेग के अंदर जो हड्डी रहती है वो निकाल के थोड़ा स्किन को ऐसे कट करके ऐसे होलो बनाना है, ताकि उसमें हमें स्टफिंग करना है। तो अब इसको पहले हम मैरिनेशन करेंगे। तो ये इसमें हमें थोड़ा कट लगा देना है, ताकि मसाला हमारा अंदर तक जाए और चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए, ये ऐसे कट लगा देना है। फिर इसको हमें मैरिनेशन करना है। मैरिनेशन के लिए भी हमें बहुत सारे कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। हमें जिंजर है 1 टेबलस्पून, गार्लिक है 1 टेबलस्पून, लेमन जूस, टू टेबलस्पून, और पपाया का पेस्ट है, जो हमारी चिकन से अच्छी तरह से जल्दी से कुक हो जाएंगी और सॉफ्ट रहेंगी। और ग्रीन चिली है, सॉल्ट, ये सभी को अच्छी तरह से हमें चिकन में लगा के बहुत ही सिंपल और इजी डिश है ये, और सबको बहुत ही अच्छी लगेंगी। एज अ स्टार्टर आप सर्व कर सकते हैं। सभी जगह पे बराबर से मसाला लगा लेना है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा भी आप ग्रीन चिली ले सकते हैं। इसको मैंने मैरिनेशन करके रख देना है एटलीस्ट आधे से 1 घंटे के लिए। आप ज़्यादा टाइम रख रहे हैं, घर में बना रहे हैं तो फ्रिज में रख देना। बस ये हमारा मैरिनेशन का एक स्टेप कंप्लीट हुआ। चिकन मैरिनेशन होने के बाद अभी हमें अंदर जो हमें स्टफिंग करना है, उसके लिए ये मैंने मटन का कीमा लिया है। अगर आप मटन नहीं खाते हैं तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अभी उसको हमें कुक करना है, तो उसके लिए भी हमें गार्लिक और जिंजर, थोड़ा ग्रीन चिली और थोड़ा सा पपाया का पेस्ट। आपके पास पपाया का पेस्ट नहीं है तो आप टेंडरोन पाउडर भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी तरह से मटन चिकन जल्दी से गल जाता है। ये सॉल्ट है, और 1 टेबलस्पून हमें ऑयल डालना है। इसको अभी हमें कुक करना है। पूरा अच्छी तरह से एकदम ड्राई कुक हो जाए तब तक इसे पकाना है हमें। यह अभी 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा कीमा बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और कुक भी हो गया है। अभी इसमें हमें मिंट एंड कोरिएंडर चॉप किया हुआ डालना है। तो ये मिंट है 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट वगैरह तो हमने डाल ही दिया है। अभी हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं। तो गरम मसाला ये मॉम सीक्रेट का है, मेरा खुद का ब्रांड है, और बहुत ही अच्छे प्योर सब मसाले से। आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है।
रेडी है। ये चाहे तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि बराबर है कि नहीं सॉल्ट वगैरह। एकदम परफेक्ट टेस्ट है, स्पाइसीनेस भी, गरम मसाले का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब हमारी चिकन जो हमने मैरिनेशन की थी उसे हमें ले लेना है। हमें एक ये धागा रखना है, धागे से उसको थोड़ा टाई करना है, फिर जब हम सर्व करेंगे तो बाद में उसको निकाल देना रहता है। अभी इसके अंदर हमें ये हमारा जो कीमा है वो स्टफ़ करना है, थोड़ा अच्छी तरह से दबा के उसको अंदर भरना है कि वो निकल नहीं जाए। थोड़ा आप दबा के ऐसे भरेंगे तो ये अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा। अब इसको हमें धागे से बांध लेना ताकि जब हम उसको फ्राई करेंगे तो ये निकल नहीं जाए। ये देखिए, ये एक हो गया। फिर ऐसे ही हमें दूसरे में भी स्टफिंग करना है। थोड़ा अंदर दबा के हमें डालना है ताकि वो निकल नहीं जाए। इसको फिर हमें धागे से बांध लेना है। अब इसको हमें, ये रेडी है फ्राई करने के लिए। अब हमारा तेल गरम हो चुका है और जो पीस हमने स्टफिंग करके रखे थे उसको हमें ऑयल में डाल के फ्राई कर लेना है। अभी थोड़ा हमें स्लो कर देना है चूल्हा, क्योंकि ये चिकन, कच्ची चिकन को पकने को टाइम लगेगा। और थोड़ा सा आप कवर कर दीजिएगा, नहीं तो उसमें से तेल बहुत बाहर उड़ता है। तो ये कवर करके स्लो फ्लेम पे हमें एटलीस्ट 5 मिनट्स पकने देना है। फिर 5 मिनट के बाद उसको खोल के आप थोड़ा टर्न कर लीजिए, तभी उसको हमें कुक होने देना है। देखिए, ये अभी हमारी और 5 से 7 मिनट हो चुकी है, चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है। देख रहे, अब इसको हमें निकाल लेना है। अगर आप ज़रा चेक करिए, चिकन नहीं पकी है तो थोड़ी देर और आप उसको फ्राई कर सकते हैं। इसको जब आप सर्व करेंगे तब उसमें से ये धागा निकाल देना है हमें। ये देखिए, ये देखिए, धागा इस तरह से निकल गया है। ये देखिए, हमारी अफगानी कबाब चिकन रेडी है। इसको आप ग्रीन चटनी नींबू के साथ सर्व कर सकते हैं और रुमाली रोटी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों को ये मेरी डिश बहुत ही अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड कीजिए और लाइक कीजिए।